चुनाव लड़ना, कांगड़ा चंबा ईवीएम में उनका नाम नहीं होगा, फिर मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री करेंगे? जब मोदी का ये सिपाही राजीव भारद्वाज, आप सबकी कड़ी मेहनत से, आप सबके अथक परिश्रम से, आप सबके आशीर्वाद से, शुभकामनाओं से, इन सभी कार्यकर्ताओं के अथक प्रयास से, इतनी कड़ी धूप में लगे सब लोग, इनके परिश्रम से जब जीत कर राजीव भारद्वाज कांगड़ा चंबा से दिल्ली जाएगा, तब मोदी जी बड़ी शान से इस देश के प्रधानमंत्री बने। राजीव जी अब आगे बढ़ो, ये प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूं, ये प्रार्थना मैं आपसे कर रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दे, मुझे डाला गया एक एक वोट मोदी जी को बड़ी शान से दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाएगा, ये प्रार्थना मैं आपसे कर ले रहा हूं। आप इतनी अधिक संख्या में आए, अब मोदी जी की योजनाओं का यदि गुणगान करना शुरू करें तो मुझे 7 दिन बोलना पड़ेगा और आपको 7 दिन यहां बैठकर सुनना पड़ेगा। इतनी योजनाएं मोदी जी, इतनी योजनाएं मोदी जी, बड़ों को भी देखना है, यदि कोई डंगर पशु पाला तो उसी भी देखना है। उसके बावजूद इतनी अधिक संख्या में मातृशक्ति हमारी जनसभाओं में निकल कर आ रही है और ग्रंथों में कहा है जब मातृशक्ति निकल कर आ जाती है तो एक बड़ा शुभ लक्षण होता है, बड़ा शुभ लक्षण। और आज देखिए इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में आप कितनी अधिक संख्या में इस छोटे से कार्यकर्ता को आशीर्वाद दे रहे हैं, कितनी अधिक संख्या में आप मंडल के नेताओं ने जो मेहनत की है, संजय गुलेरिया और उनकी टीम, धीरेन्द्र जत्री जी, डॉक्टर साहब, सब लोगों ने मिलकर इतनी मेहनत की है इस विधानसभा क्षेत्र में, और आप इतनी गर्मी में उनको आशीर्वाद देने आए हैं, उनको शुभकामनाएं देने आए हैं और उनको ये बताने आए कि मातृशक्ति आपके साथ है। इसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद करता हूं और आपको प्रणाम करता हूं। दूसरा कॉमन क्या है, चाहे वो जनमानस है, उनके चेहरे को पढ़ के और जो हमारे कार्यकर्ता आदरणीय मित्र है जिनको मैं अपना भगवान मानता हूं, उनके अंदर जो जोश है, जनून है, जो जज्बा है और मोदी जी के प्रति जो स्नेह, सम्मान, आशीर्वाद और प्यार है, ये मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये दो लक्षण है मैंने हर जगह देखे, हर जगह देखे, और मैं इस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं, इस अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि रिजल्ट तो 4 तारीख को आएगा, 1 तारीख को आप अपने मत का दान करेंगे, लेकिन 4 तारीख को क्या रिजल्ट आएगा उसकी इबारत मैं सामने दीवार पर लिखी हुई पढ़ सकता हूं। ये लिख दिया गया है, ये तय है कि नरेंद्र भाई मोदी फिर से 4 तारीख को इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।